गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले क्लास में एरर के बारे में पढ़ रहे थे, यानी प्रोपागेशन ऑफ एरर। तो हमने पढ़ा था एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस एंड एरर इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हम किसी दो फिजिकल क्वांटिटी का या मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटी का मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट का जो एरर होगा, ठीक है, वह क्या होगा। तो हमने ये देखा एडिशन में जो प्रोपागेशन ऑफ एरर एडिशन था, है ना, उसमें जो रिजल्ट का एरर मिला था तो हमने देखा एब्सोल्यूट एरर का सम, ठीक है। और यही हमने देखा था कि जब हम डिफरेंस पढ़ रहे थे, है ना, तो उसमें भी हमने देखा था कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो सबट्रैक्ट हो रही हैं उनके एब्सोल्यूट एरर का सम था, ठीक है। और इसी तरीके से हमने प्रोडक्ट का भी लिया था, तो प्रोडक्ट में क्या था, जो मैक्सिमम एरर था रिजल्ट में, है ना, वह क्या था, रिलेटिव एरर था। तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, तो क्या था, तो हमने देखा कि जो टू क्वांटिटी हमारे प्रोडक्ट में थे उनके एब्सोल्यूट एरर का सम था, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। सम के लिए जो एरर था इस रिजल्ट का एब्सोल्यूट एरर था, तो एब्सोल्यूट एरर क्या था, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल था, ये था डेल ए प्लस डेल बी, यही था ना, ठीक है। अब उसके बाद डिफरेंस के लिए भी यही था हमारा, डिफरेंस के लिए डेल एक्स इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी, ये था। और ये हमारा क्या था, मैक्सिमम एरर था, तो हमने आपको बताया था प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, है ना, यही था। यहां इसी तरीके से ये भी था आपका, है ना। अब प्रोडक्ट के लिए भी हमने पढ़ा था एक्स इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये था एरर इन प्रोडक्ट, है ना। तो क्या पढ़े थे, तो इसमें जो एरर था वह हमारा था रिलेटिव एरर, डिफरेंस और सम में एब्सोल्यूट एरर का सम था, और जो हमारा प्रोडक्ट था उसमें क्या था, रिलेटिव एरर था। तो रिलेटिव एरर डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, ये था मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एक्स इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, प्रोडक्ट में जो रिजल्ट था उसका एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो ये था आपका प्लस और माइनस, ये हम लोग स्टडी किए हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक होगा वह होगा एरर इन डिवीजन, ठीक है, इसको देख लेते हैं। नंबर फोर, एरर इन डिवीजन, या फिर इसी को बोलेंगे कोशियंट, कोशियंट। तो यहां पे x इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइड होगा x इज इक्वल टू ए बाई बी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली a डिवाइड बाई बी है तो कुछ रिजल्ट मिलेगा, और वह रिजल्ट है x, तो उसमें भी एरर होगा, है ना। तो वह एरर किसके इक्वल होगा, a के एरर के इक्वल होगा या b के एरर के इक्वल होगा, या फिर हमने जो प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है रिलेटिव एरर का सम के इक्वल होगा, है ना, क्या होगा। तो हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो यहां पर है x इज इक्वल टू ए बाई बी, तो x में भी एरर होगा, a में भी एरर होगा, b में भी एरर होगा, तो ये रहा हमारा डेल a एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a, ठीक है, डेल b एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ b, डेल x एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ x, दैट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं डिवीजन, यहां पर हम लिख लेते हैं डिवीजन, डिवीजन ऑफ ए एंड बी, देन फ्रॉम फर्स्ट क्या होगा, है ना। तो ये x प्लस माइनस डेल x, ये हुआ x का, इक्वल टू a के लिए होगा आपका d
एल ए और ये होगा आपका बी बी प्लस माइनस डेल बी, ये था हमारा, ठीक है ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से मिलेगा आपको अगर एक्स कॉमन लोगे तो क्या होगा, ये हुआ वन प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स, ये हो गया इक्वल। न्यूमेरेटर में आप ए कॉमन ले लो तो यहां पे क्या मिलेगा, वन प्लस माइनस डेल ए बाई ए, ये होगा डिवाइड बाई बी कॉमन ले लो डिनोमिनेटर में तो वन प्लस माइनस डेल बी बाई बी, ये हुआ ठीक है। तो x इज इक्वल टू वन ओ सॉरी तो x इंटू वन प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू ए बाई बी, ये हुआ ए बाई बी इंटू वन प्लस डेल ए बाई ए डिवाइड बाई वन प्लस माइनस डेल बी बाई बी, ये हुआ ठीक है। अब यहां पे हम जानते हैं ए बाई बी, ए बाई बी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है ठीक है। तो यहां पे हम x रखेंगे तो x से x क्या होगा कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहां पर कर लेते हैं ठीक है, तो यहां पर हुआ ये x 1 प्लस माइनस डेल x बाई x इक्वल टू a बाई बी मीन्स x, ये हुआ x वन प्लस माइनस डेल ए बाई ए डिवाइड बाई वन प्लस माइनस डेल बी बाई बी, ये हुआ। तो x से x आपका कैंसल ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है वन प्लस माइनस डेल बी बाई बी का होल पावर वन, होल पावर वन है पॉजिटिव वन। अगर हम इसको न्यूमिनेटर में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा पावर निगेटिव, यही करना है ठीक है। तो यहां से आपको मिला ये हुआ आपका वन प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल ए बाई ए, ये पावर वन था पॉजिटिव, न्यूमिनेटर में ले जाते हैं तो वन प्लस माइनस डेल बी बाई बी के पावर माइनस वन ठीक है ओके। अब यहां पर हम एक फार्मूला यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल फार्मूला, वन प्लस एक्स के पावर एन का फार्मूला ठीक है। तो यहां यूज करते हैं फार्मूला, ठीक है। तो यहां पर हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं वन प्लस एक्स के पावर एन का फार्मूला, ये एक फार्मूला है एक्सपोनेंशियल फार्मूला, आगे अभी हम पढ़ेंगे इसी आपके पार्ट में होगा फिजिक्स में जब हम कैलकुलस में आएंगे डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन, तो ये सब फार्मूले हम पढ़ेंगे वहां पे ठीक है। तो ये हुआ एक्सपोनेंशियल का फार्मूला, वन प्लस एक्स के पावर एन का फार्मूला जो होता है वन प्लस एन पहले आएगा एन एक्स के पावर एन माइनस वन ठीक है, फिर प्लस एन एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल ठीक है, ये होता है फार्मूला आपका है ना। तो यहां पे इसके आगे और भी टर्म होंगे बट इसको हम क्या कर लेंगे, नेगलेक्ट कर लेंगे है ना। तो यहां पे हमको सिर्फ इतने की जरूरत है ठीक है। तो यहां पर हुआ आपका ये और ये पावर है माइनस, तो यहां पर आ जाएगा आपका माइनस है ना, ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे ठीक है। तो यहां पर हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे, तो ये हुआ लेफ्ट साइड का वन प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल ए बाई ए इन ब्रैकेट, तो यही हुआ वन प्लस एक्स के पावर एन, ये हुआ फार्मूला। तो वन और ये हो जाएगा माइनस, माइनस आएगा ना, तो ये हुआ माइनस और ये हुआ प्लस वन प्लस एन एक्स, तो ये एन इक्वल टू वन है
इसलिए माइनस वन हो गया और ये हुआ आपका डेल बी बाई बी, ठीक है, ये हुआ वन और एन पावर माइनस वन, ठीक है, इसलिए ये हुआ हमारा, ओके। अब उसके बाद और भी आगे टर्म आएंगे, हमने बताया आपको और भी जो आगे के टर्म होंगे बहुत इस्तेमाल होंगे और उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये हुआ, ओके। अब उसके बाद हम इसको पढ़े हैं, इसका हम प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट करिए तो वन प्लस माइनस डेल एक्स वाई एक्स इक्वल टू वन का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में करिए तो वन माइनस प्लस डेल बी बाई बी, तो वन का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में हमने किया। फिर उसके बाद डेल ए बाई ए का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में करेंगे, है ना, तो ये हुआ इसका मल्टीप्लाई वन के साथ, तो प्लस माइनस डेल ए बाई ए, ठीक है। फिर अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हुआ प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी, ओके। तो अब यहाँ पे भी हमने ये टर्म समझ रखा है, डेल ए बाई ए बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, डेल बी बाई बी भी स्मॉल क्वांटिटी है, और जब दो स्मॉल क्वांटिटी का प्रोडक्ट करते हैं वह और भी स्मॉल हो रहा है ना, तो हम इस टर्म को भी नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ डेल ए बाई ए डॉट डेल बी बाई बी इज वेरी स्मॉल, ठीक है, देन नेग्लेक्टेड, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ये हुआ आपका वन प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन माइनस प्लस डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल ए बाई ए, और ये हमारा है स्मॉल टर्म, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ये मिला हमको, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा हमने ये भी प्लस वन है, ये भी प्लस वन है, या इसको इस साइड ट्रांसफर करो तो माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, या फिर इसको इधर ट्रांसफर करोगे तब कर दी जीरो, तो वन से वन कैंसिल, है ना। तो ये हुआ हमारा डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू माइनस, इसको हम पहले लिख दिया प्लस डेल ए बाई ए माइनस प्लस डेल बी बाई बी, ये हुआ। तो ये हमको जाना पहचाना लग रहा है, हमने पढ़ दिया हुआ है ऐसा, तो हमने प्रोडक्ट में ही पढ़ा हुआ है। तो अब रिलेटिव एरर इन एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, फोर, है ना, तो उसमें जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम रिलेटिव एरर वही होगा एक्स यानी रिजल्ट का रिलेटिव एरर। तो जैसा हमारा प्रोडक्ट का था वैसा ही हमारा किसमें मिलेगा, डिवीजन में या फिर कोशियंट में, ठीक है। यहां तक करिए, इसको इरेज करते हैं, तो यहां से रिलेटिव एरर इन एक्स में फोर पॉसिबल वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। तो हमने एक बार प्लस लिया डेल ए बाई ए, फिर माइनस डेल बी बाई बी, फिर प्लस डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, फिर से माइनस डेल ए बाई ए माइनस डेल बी बाई बी माइनस डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, ये हमारे फोर पॉसिबल वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। तो राइट करते हैं यहाँ पे फोर पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये होगा प्लस डेल ए बाई ए माइनस डेल बी बाई बी, ये हुआ अगेन प्लस डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, फिर आपका हुआ माइनस डेल ए बाई ए माइनस डेल बी बाई बी, ये हुआ, फिर नेक्स्ट माइनस डेल ए बाई ए और आपका प्लस डेल बी बाई बी, है ना। तो ये फोर पॉसिबल वैल्यू मिले, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो ये है मैक्सिमम वैल्यू, दोनों सम है यानी पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एक्स, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एक्स, तो क्या होगा डेल एक्स बाई एक्स, ठीक है, इक्वल होगा डेल ए बाई ए के
और प्लस डेल बी बाई बी के, ये है मैक्सिमम रिलेटिव एरर एक्स का। अब ये प्लस भी हो सकता है एरर और माइनस भी, ठीक है। तो ये है रिलेटिव एरर इन एक्स, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जैसे हमने प्रोडक्ट में पढ़ा था वही हमारा है डिवीजन का, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, दोनों में सेम था। तो उसमें हमारा था जो एरर था वह क्या था, एब्सोल्यूट एरर का सम था प्लस और माइनस में। उसके बाद हमने देखा प्रोडक्ट और डिवीजन में जो एरर है वह कैसा है, सम ऑफ रिलेटिव एरर, ये है ना, ठीक है। तो ये हमारा रहा प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो यहां पर नोट कर लीजिएगा, द मैक्सिमम रिलेटिव एरर आर फ्रैक्शनल एरर इन डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर आर फ्रैक्शनल एरर इन इंडिविजिबल इंडिविजिबल क्वांटिटीज, ठीक है, इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव आर फ्रैक्शनल एरर इन इंडिविजिबल क्वांटिटीज, ठीक है। ये हमारा है एरर इन डिवीजन आर कोशिएंट, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा, हमने आपको बताया था मैथमेटिकल ऑपरेशन में एक और रेस टू द पावर, अगर फिजिकल क्वांटिटी के कुछ पावर हो, है ना, यहीं पर हम देख लेते हैं। तो ए के पावर सपोज n है और बी के पावर m है, है ना। तो यही है हमारा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के रेस टू द पावर अगर होता है तो हम उसका ऑपरेशन करते हैं, यानी उसका रिजल्ट निकालते हैं, तो उस रिजल्ट का एरर क्या होगा। और ये होगा जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक से, इसे जेई मेन और नीट के बहुत क्वेश्चन आ गए हैं, बहुत इजी भी है, ठीक है। तो हम उसको समझते हैं क्या है ये, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो अब जो हमारा प्रोपोगेशन है वह है रेस टू द सम पावर, उसके लिए है, ठीक है। तो क्या है, एरर इन मेजर्ड क्वांटिटी रेस टू अ पावर, तो क्या पावर है, x इज इक्वल टू ए के पावर n डिवाइड बाई बी के पावर m, तो b के पावर m पॉजिटिव m है, अगर हम इसको न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे तो पावर क्या होगा, माइनस m, तो x इज इक्वल टू ए के पावर n इंटू बी के पावर माइनस m। ये हमारा है एक फिजिकल क्वांटिटी का जब हमने रेस टू द पावर लिया और उसको कैलकुलेट किया तो हमको एक रिजल्ट मिला, तो इस रिजल्ट में क्या एरर होता है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है और उसके बाद ये सब हमारे वही हैं जो पहले थे, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीजन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए। डेल ए है एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, डेल बी एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, डेल एक्स एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स, ठीक है, ये रहा। तो अब यहां से हम एक फार्मूला यूज करेंगे और वो जो फार्मूला होगा हमने अभी आपको बताया, ये आगे मिलेगा, है ना, फिजिक्स में ये मैथमेटिकल टर्म है, उसका नाम है कैलकुलस। तो कैलकुलस में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, है ना, तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, मैथमेटिक का है ना, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बट आपके फिजिक्स में जो इम्पोर्टेंट है, जो यूजफुल है, बस उन्हीं को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसका हम कुछ यूज करेंगे, तो क्या है इसको देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ए के पावर n इंटू बी के पावर माइनस m, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसी एक पार्टिकुलर वेरिएबल के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं, बट यहाँ पर हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है a और b, यही हमारे दोनों वेरिएबल होंगे, है ना। तो
तो हम जो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना, दोनों के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे ये जो हमारे फिजिकल क्वांटिटी है ये एक फंक्शन का काम कर रहा है, ये दूसरा फंक्शन का काम कर रहा है, ए फंक्शन है ये बी की फंक्शन है, तो ए का फंक्शन बी का फंक्शन, तो यहाँ पर हमारे जो फंक्शन हुए वो टू फंक्शन के हुए और दोनों फंक्शन का ये क्या है प्रोडक्ट है। तो डिफरेंशिएट हम अभी तो पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट जब हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का करते हैं, है ना, तो क्या होता है, तो ये होता है पहले हम फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट सपोज करेंगे, फिर सेकंड का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अगेन सेकंड को हम डिफरेंशिएट करेंगे और फर्स्ट को कांस्टेंट मानेंगे। यानी एक बार हम इसको कांस्टेंट मानेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अगेन हम एक बार इसको कांस्टेंट मानेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन। बहुत ईजी है, आसान है, आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन का हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर हम कोई एक पार्टिकुलर वेरिएबल नहीं लेंगे, हम दोनों लेंगे, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा डेल एक्स वाई एक्स इक्वल टू, तो हमने बताया प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो हम पहले फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट सपोज करेंगे, अब फिर सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर है b के पावर माइनस m, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के पावर n का जो फार्मूला होता है वो होता है n x के पावर n माइनस वन, यानी x के पावर n का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, एन एक्स के पावर n माइनस वन, ठीक है। तो यहां पर b के पावर माइनस m, b के पावर माइनस m का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हुआ n, यानी माइनस n, है ना। तो ये क्या है x, x तो ये है b और के पावर माइनस m और ये है फार्मूले से माइनस वन, ये हुआ डिफरेंशिएटर b के पावर माइनस m का, ठीक है। तो ये हुआ, तो क्या हुआ माइनस m b के पावर m माइनस वन और माइनस m है तो माइनस m। अब b हमारा है वेरिएबल तो रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हुआ बी के डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर आता है प्लस फार्मूले में, तो फार्मूला जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका हो गया। फिर प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो सिमिलरली ए के पावर एन है तो क्या होगा एन ए के पावर एन माइनस वन, यही फार्मूला यूज करेंगे, है ना। अब ए का डिफरेंशिएशन हुआ डेल ए, क्लियर, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको और अरेंज कर लेते हैं, डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू ए के पावर एन, थोड़ा यहां पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंटू माइनस एम इंटू बी के पावर माइनस एम, तो ये हुआ b के पावर माइनस एम इंटू बी के पावर माइनस वन, बेस सेम है तो पावर एड हो जाएंगे, तो हमने इस b पावर माइनस एम माइनस वन को ये लिखा, ठीक है, जब पावर एड करोगे तो ये ही मिलेगा इंटू डेल b, ठीक है। प्लस इसको भी हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, b के पावर माइनस एम इंटू एन इंटू a के पावर n इंटू ए के पावर माइनस वन इंटू डेल a, ये हुआ, ठीक है। अब यहां पे देखिए कुछ आपको कॉमन मिलता है, क्या कॉमन है इसको देखिए, a के पावर n इंटू बी के पावर माइनस एम, a के पावर n
इंटू बी के पावर माइनस एम, दोनों में कॉमन है तो हम इसको कॉमन लेते हैं। ये हुआ डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू ए के पावर एन इंटू बी के पावर माइनस एम, ए के पावर एन इंटू बी के पावर माइनस एम कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा माइनस एम और क्या बात बी के पावर माइनस वन, तो ये होता है वन बाई बी, बी के पावर क्या है प्लस वन, जब इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो बी के पावर क्या होगा माइनस वन, यानी बी के पावर माइनस एम इज इक्वल टू वन अपॉन बी। ठीक है, तो यहां से क्या मिला आपको माइनस एम, ठीक है, और ये हुआ आपका डेल बी। ठीक है, अब उसके बाद हमने आपको बताया बी के पावर माइनस वन, तो बी के पावर माइनस वन मीन्स वन बाई बी, तो ये हो गया बाई बी। ठीक है, ये हुआ प्लस, ठीक है, तो क्या कॉमन लिया हुआ ए के पावर एन, ए के पावर एन इंटू बी के पावर माइनस एम, बी के पावर माइनस एम, तो ए के पावर एन बी के पावर माइनस एम, तो यहां से मिला आपको एन इंटू डेल ए, डेल ए, और ए के पावर माइनस वन ये इन हुआ वन बाई ए, तो ये हुआ बाई ए, ये हुआ। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा ए के पावर एन इंटू बी के पावर माइनस एम, तो सॉरी थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक हुआ, जब हम इसका पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, यहां पे तो ये होगा आपका ओनली एक्स, ठीक है, ये हुआ ओनली एक्स। ठीक है, डेल एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स का डिफरेंशिएट डेल एक्स, ओके, तो ये हुआ डेल एक्स, फिर ए के पावर एन इंटू बी के पावर माइनस एम क्या है फ्रॉम फर्स्ट, ए के पावर एन इंटू बी के पावर माइनस एम इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये हुआ एक्स, तो यहां पर आएगा, तो ये होगा आपका डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू दिस एन इंटू डेल ए बाई ए माइनस एम डेल बी बाई बी, ये हुआ आपका, ये जो एक्स है यानी कैलकुलेशन, इसका रिलेटिव इरर किसके इक्वल हुआ एम टाइम ऑफ रिलेटिव इरर ऑफ ए और एम टाइम ऑफ रिलेटिव इरर ऑफ बी। ठीक है, अब हमने आपको बताया कि ये जो रिलेटिव इरर होगा है ना, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे भी हुआ आपका ये, ओके, यहां पर आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू, ये हुआ प्लस माइनस एन इंटू डेल ए बाई ए, यानी जो रिलेटिव इरर है वो क्या हो सकता है प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, फिर अगेन यहां पर ये माइनस है ना, तो ये भी होगा आपका प्लस माइनस एम डेल बी बाई बी, ये हुआ आपका रिलेटिव इरर इन एक्स इक्वल टू एन टाइम ऑफ रिलेटिव इरर ऑफ ए और ये माइनस एम टाइम ऑफ रिलेटिव इरर ऑफ बी। तो यहां पे भी फोर पॉसिबल वैल्यू सिमिलरिटी, हमने इसके पहले पर पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहां पर ही हुआ, तो हम यहां पे प्लस लेते हैं मैक्सिमम रिलेटिव इरर, तो मैक्सिमम रिलेटिव इरर क्या होगा, ये होगा डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू एन टाइम ऑफ डेल ए बाई ए प्लस एम टाइम ऑफ डेल बी बाई बी, ये होगा, और ये कैसा हो सकता है प्लस और माइनस। ठीक है, तो यहां पर इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स मिलेगा, उसका जो रिलेटिव इरर होगा वह क्या होगा, तो हमने देखा ए के पावर एन है तो एन टाइम ऑफ रिलेटिव इरर ऑफ ए, बी के पावर एम है तो एम इंटू रिलेटिव इरर ऑफ बी, समझ में आया ना, तो यहां पर ये हुआ रिलेटिव इरर ऑफ कैलकुलेशन एक्स। ठीक है, ये हुआ आपका, ओके, तो ये हुआ आपका रिलेटिव इरर इन एक्स कैलकुलेशन टू द रेज टू द पावर एम एन। ठीक है, इस तरह से, तो ये हुआ आपका
रिलेटिव एरर। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये देखा कि यहां पर ये जो पावर एन है और ये पावर एम है, तो ए के पावर एन इंटू बी के पावर एम हुआ, तो जो हमारा रिलेटिव एरर होगा वह ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। समझ रहे ना? ठीक है, तो ये इस तरह से हुआ। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। अभी हम आपको एग्जांपल बताते हैं और क्या होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद सबसे, ठीक है इसको हम थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं। तो हमने ये जो प्रूफ पढ़ा एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीजन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए और रेज टू द पावर के लिए, ठीक है ये आपको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, बट हमने आपको प्रूफ करा दिया है, इसको करिए अच्छे से, समझिए कहां से आया, किस तरह से आया, है ना, यही है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो ये जो फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, यहां से फिजिक्स का कोई भी कंपटीशन अगर आप दे रहे हो उसमें अगर फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं तो एमसीक्यू होंगे, ठीक है, वन वर्ड के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अगर वन वर्ड के क्वेश्चन का आंसर आप देना शुरू किए और एमसीक्यू के आंसर देना शुरू कर दिए, तो आप कोई भी कंपटीशन जिसमें फिजिक्स इंक्लूड होगा उसको आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और फिजिक्स आपको इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा, है ना, एकदम आसान सा लगेगा और मजा भी आएगा फिजिक्स में पढ़ने में। ठीक है, तो ये है फिजिक्स। तो फिर से हमने बताया ये जितने फार्मूले हैं आप उसको याद रखिएगा, ये फार्मूले या इसके पहले सम का, है ना, फिर डिफरेंस का, मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन का, रेज टू द पावर का, तो ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे बट आपको फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हमारे पास एक और फिजिकल क्वांटिटी है, उसका आप रिलेटिव एरर बताओ क्या होगा। देखो x इज इक्वल टू ए के पावर एल बी के पावर एम अपॉन सी के पावर एन, है ना, इसका बताओ रिलेटिव एरर क्या होगा इसके टर्म में। एकदम आसान सा है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो रेज टू द पावर है उसको हम पहले राइट कर लेंगे, तो ये होगा ना डेल एक्स बाई एक्स, यही होगा, तो ए के पावर एल पॉजिटिव हुआ, एल इंटू डेल ए बाई ए होगा, इसी की तरह, है ना, ए के पावर एन डिवाइड बाई बी के पावर एम, ठीक है, फिर प्लस एम इंटू डेल बी बाई बी होगा, है ना, अब सी के पावर प्लस है, ऊपर ले जाओगे सी के पावर माइनस एन होगा, तो माइनस एम हो तब पर भी हमारा प्लस एम होता है, कोई भी पावर प्लस माइनस तो हमको प्लस ही देता है, तो यहां पर ये हो जाएगा प्लस एन इंटू डेल सी बाई सी, ये रहा आपका, इतना इजी है। तो कोई भी पावर हो हम उसको इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, ये है हमारा रिलेटिव एरर। किसी भी एक्सपोनेंशियल पावर हो, है ना, उसका जो रिजल्टेंट मिलता है ये उसमें एरर होते हैं। ठीक है, ओके, अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है डेल ए बाई ए, ये क्या चीज है, ये है फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर, इसी का एक और नाम है, क्या बताइए, याद करिए। ठीक है, ओके, तो इसका जो एक और दूसरा नाम है वह है परसेंटेज एरर, जो बताया है, वेरी गुड, ठीक है, यानी वो पढ़ रहा है, पढ़ो, ठीक है, ये फिजिक्स है, जब तक आप इस तरह से पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखोगे फिजिक्स समझ में नहीं आएगा, समझ रहे ना। ठीक है, तो ये हुआ आपका डेल ए बाई ए। ठीक है, अब इसको हमने परसेंटेज एरर में भी चेंज किया था, परसेंटेज एरर के लिए 100 का मल्टीप्लाई 100 का डिवाइड, तो यहां से आपको मिले था ये रहा, तो डेल ए बाई ए इंटू 100 और ये बाय वन है, इसको क्या बोले थे, परसेंटेज। तो हमने देखा रिलेटिव एरर आर फ्रैक्शनल एरर आर परसेंटेज एरर, ये सेम क्वांटिटी है। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, ये सब हो गए। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, कि हमने जो अभी तक पढ़ा हुआ है एरर इन सम के लिए, डिफरेंस के लिए, डिवीजन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, है ना, एक्सपोनेंशियल पावर के लिए, इस पर बेस अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो क्या आप कर लेते हो, है ना,
ये हम कराते हैं, ठीक है। ओके, इसको कर लीजिए। ओके, तो हमारे पास ये दो न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो हम एक न्यूमेरिकल नहीं, पहला न्यूमेरिकल आपको बताते हैं, सेकंड आप करिएगा, ठीक है। तो हमने बताया आपको कि पूरे क्लास के दौरान या फिर जो हमने एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इस चैप्टर का या जो भी हमने पढ़ाया हुआ है, अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज किए हो या फिर क्लास किए हो तो हमें लगता है कि लर्न करने की कहीं ज़रूरत नहीं है, है ना। इतने इजी वे पर और इतने आसान तरीके से हमने आपको बताया हुआ है। तो अगर आप इसको जो क्लास किए हो अगर आप किए हो तो ये आसानी से न्यूमेरिकल आप कर जाओगे। यहाँ तक कि हमने आपको बताया कि जेई मेन और नीट यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप अच्छे से क्लास किए हो, समझ में आया है, समझ रहे ना, तो कर लोगे आसानी से। तो अब हम देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल कितने आसान और कितने इजी होते हैं, या फिर आज ये जो चैप्टर है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट का ये फिनिश है। तो कल हम आपको बताएंगे कि जो नीट या जेई मेन के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इससे जो हमारे छूटे हुए हैं या कुछ और हैं जो जेई मेन और नीट तक आ चुके हैं, है ना, उसको कराएंगे। फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में जेई मेन और नीट में जो क्वेश्चन आ चुके हैं इस चैप्टर में, कितने ईजी कितने आसान आपको लगते हैं अगर आपने ये क्लास कर रखा है, ठीक है। तो हम एक न्यूमेरिकल आपको बताते हैं, सेकेंड आप करिए, हम भी देखते हैं कि आप कितना पढ़े हो, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, टू कैपेसिटर मेजर्ड आर 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफेरेड एंड 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफेरेड, कैलकुलेट टोटल कैपेसिटी इन पैरेलल विथ परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट करना है और जो कैपेसिटी कैलकुलेट करना है कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो यहां पे क्या आपको गिवन है, टू कैपेसिटर, है ना। तो टू कैपेसिटर फर्स्ट है C1, गिवन है आपका 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफेरेड, ठीक है। ये क्या है, ये आपका है एरर, इतना एरर हो सकता है, मैक्सिमम 0.1 एरर हो सकता है, ये है एरर। तो इसमें कोई एरर है क्या, आंसर नो, इसमें कोई एरर नहीं होगा और ये हमने मेजर किया हुआ है कैपेसिटर को, है ना। तो ये हमारा एरर है, ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है, इसमें कोई एरर नहीं है, है ना, क्योंकि हमने C1 को मेजर किया हुआ है तो ये हमको एरर मिला है, ठीक है। अब इसी तरीके से C2 इज इक्वल टू 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफेरेड, तो इसमें भी एरर, ये है मैक्सिमम एरर और ये हमारा एग्जैक्ट है, 100% है, इसमें कोई एरर नहीं होगा, ठीक है। तो क्या कैलकुलेट कर रखा है, यानी कहा है कि कैपेसिटी क्या होगा, टोटल कैपेसिटी जब इसको हम पैरेलल में जोड़ते हैं, तो हम कैपेसिटर को जब पैरेलल में ऐड करते हैं तो फार्मूला होता है कैपेसिटर इन पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2, है ना। तो जो C1 प्लस C2 होगा, यानी कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, तो ये होगा 1.3 प्लस 2.4 इक्वल टू क्या होगा बताइए, 3.7 माइक्रोफेरेड, ये हुआ आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर, ये हुआ, इसमें कोई आपका एरर नहीं होगा, तो एरर तो ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है। अब उसके बाद हम एरर निकालते हैं, तो डेल सी पी, अब ये देखिए, ये जो हमारा ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो क्या है, प्लस, तो प्लस में हमने जो एब्सोल्यूट एरर निकाला हुआ है वह क्या है, तो प्लस के लिए क्या है, प्लस माइनस, इसमें जो एरर है प्लस इसमें जो एरर है, तो एब्सोल्यूट एरर इन C1 एब्सोल्यूट एरर इन C2 का जो सम होगा वही इसका रिजल्टेंट का एरर होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। तो ये हुआ हमारा, तो डेल सी पी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल सी वन, ये है
0.1 प्लस ये है 0.2, ठीक है। तो क्या मिला, डेल सी पी इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या मिलेगा 0.3, ठीक। तो ये हुआ आपका एरर में, समझ रहे ना। अब उसके बाद क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, विथ परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या है, तो हमने कहा कि जो हमारा रिलेटिव एरर है ना, या फ्रैक्शनल एरर है, वही हमारा परसेंटेज एरर है। तो यहां पर हम रिलेटिव एरर कैलकुलेट करते हैं। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला डेल सी पी अपॉन सी पी, यही है ना रिलेटिव एरर, ठीक है। तो ये रहा डेल सी पी, ये रहा प्लस माइनस 0.3 डिवाइड बाय ये 3.7। तो ये हुआ हमारा रिलेटिव एरर। अब इसी को हम परसेंटेज एरर में चेंज कर लेंगे, तो किसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, ओके, तो 8.1, ठीक है, 0.0 समथिंग इस तरह से आएगा। तो ये रिजल्ट हुआ आपका 8.1 और ये है परसेंटेज, ठीक है। तो ये हुआ हमारा परसेंटेज एरर, क्लियर। तो हम इस टोटल मेजरमेंट को अगर रिजल्टेंट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो रिजल्टेंट के लिए रिजल्ट, ठीक है। तो क्या मिला आपको 3.7 प्लस माइनस ये है आपका एब्सोल्यूट एरर 0.3, ये लिख सकते हो माइक्रोफैरड, ठीक है, या फिर इसी को लिख सकते हो 3.7 प्लस माइनस 8.1 परसेंटेज, ये हुआ, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सेकेंड को सॉल्व करिए, एकदम सेम यही है, ऐसे ही है। तो क्या है, द लेंथ ऑफ टू सिलेंडर आर मेजर टू बी L1 इज इक्वल टू दिस एंड L2 इज इक्वल टू दिस, द कैलकुलेट डिफरेंस इन लेंथ। तो डिफरेंस इन लेंथ कैलकुलेट करना है, तो यहां पर हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हुआ L1 माइनस L2, तो हमको डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम कल मिलते हैं, है ना। ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, फिर उसके बाद हम कल बताते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले जो आपके जेई मेन और नीट तक आए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक और दिन क्लास करेंगे, वह टोटल होगा आपका न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर नीट और जेई मेन में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप रिवाइज करिएगा, और ठीक है, जितने भी फार्मूले हैं सब याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इस फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फिजिक्स, ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।